हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है शेफ यथार्थ कपूर और आप लोग मुझे देख रहे हैं बोल्ड स्काई पर। तो चलिए, आज मैं आपके सामने जो रेसिपी लेके आया हूँ, बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, कलाकंद की रेसिपी है। हार्डली इसको बनाने में 15 मिनट लगेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। चलिए तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी कुकिंग। अब इसके अंदर हम डालेंगे अपना फुल क्रीम मिल्क। इसके अंदर ये देखिए हल्के हल्के से दाने से आ गए हैं। अब हमने इसको फाड़ना है और हमने इसका बनाना है छेना। तो इसको अब हम हिलाते रहेंगे तब तक जब तक इसके अंदर एक बॉयल ना आ जाए। चलिए, हमारा दूध उबल चुका है। यहाँ पे करते हैं हम गैस को बिल्कुल बंद और हम इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे सिरका या कोई भी सिट्रिक एसिड और इसको कंटिन्यूसली हिलाते रहेंगे। ये देखिए हमारा छेना बनना स्टार्ट हो चुका है। अब इस टाइम पे हम अपनी करते हैं गैस ऑन फिर से और इसको अब अच्छे से पकाएंगे। ये देखिए मेरा पूरा छेना अलग होने लग गया और इसका जो पानी है वो भी अलग होने लग गया। तो इसको देते हैं एक छोटा सा बॉईल और साथ ही करेंगे गैस बंद और इसको निकाल लेंगे ताकि हमारा छेना तैयार हो जाए। चलिए, इसमें डालते हैं थोड़ा सा ठंडा पानी ताकि हमारा छेना जो है पकना बंद हो जाए। चलिए, हमारा छेना जो है ठंडा हो चुका है और उसके अंदर से सारा पानी निकल गया है। अब हमने छेने को करना है मैश। चलिए, एक दूध का तो हमने बना लिया छेना। अब यहाँ पे मैंने लोहे की कढ़ाई चढ़ाई है। देखिए, प्रेफर यही करिएगा कि लोहे की कढ़ाई लीजिएगा। इसके अंदर डालते हैं तकरीबन 250 ml दूध और। यहां पे मेरे पास तकरीबन 250 ग्राम के करीब चीनी है। इसको थोड़ा थोड़ा करके अब हम डालेंगे इसके अंदर। देखिए, साइड की मलाई जरूर उतारते रहिएगा, इसी से हमारे कलाकंद के अंदर एक दरदरापन आएगा। देख सकते हैं आप, दूध का कलर भी चेंज होने लग गया। चलिए, हमारा दूध जो है गाढ़ा हो चुका है। इस टाइम पे हम इसके अंदर डालते हैं अपना छेना। अब छेना डालने के बाद अपना हाथ मत रोकिएगा, इसे कंटिन्यूअसली हिलाते रहिएगा। ये देखिए, कलाकंद की तरह इसके अंदर दानेदार आना स्टार्ट हो गया। चलिए, एक सिलिकॉन स्पैचुला ले लीजिए और इससे साइड का स्क्रैप कर लीजिए। देखिए, मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ ड्राई फ्रूट्स में पिस्ते का। ऑथेंटिकली जो रेसिपी के अंदर ड्राई फ्रूट जाता है वो पिस्ता ही जाता है। तो चलिए, इनकी अब हम कर लेते हैं कटिंग। चलिए, अभी से सेट होने के लिए रख देते हैं। चलिए, तो अब हम इसके ऊपर गार्निश करते हैं और ये हमारा कलाकंद हो गया है रेडी।